न्यूज़ कभी उस चीज़ की नहीं बनती जो जनरल है। आपने कभी कोई न्यूज़ सुनी है कि आज माँ ने घर में खाना बनाया? ऐसी कोई न्यूज़ होती है क्या? क्योंकि हर की माँ घर में खाना बना रही है तो न्यूज़ नहीं। न्यूज़ तो तब बनती है जब कुछ रेयर है, कुछ अचानक गलत हो गया, कहीं न्यूज़ आ गई आज रेप हो गया, कहीं न्यूज़ आ गई वुमेन किडनैप हो गई, और वुमेन सोचने लगती है अरे बाप रे मैं कितनी असुरक्षित हूँ। और मैं उस हर एक वुमेन से पूछना चाहता हूँ जो आज ऑडियंस में भी है कि आपको कितना अनुभव हुआ आज तक? आप अपने पैदा होने से इतने बड़े हो गए, घर से निकले, स्कूल गए, कॉलेज गए, आज नौकरी कर रहे हैं, आज कितने बार आपको ये सब अनुभव हुए? तो ये कौन प्रोटेक्ट किए हुए हैं? ये लॉ ही प्रोटेक्ट किए हुए। इतने स्टैट्यूट्स वुमेन के फेवर में हमने बना दिए हैं, जो अमेंडमेंट्स करके प्रोविजन जोड़े आईपीसी में वो छोड़ दीजिए, सीआरपीसी में वो छोड़ दीजिए। हमने घर में सुरक्षित रखने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस बना दिया, हमने ऑफिस में सुरक्षित करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बना दिया। तो ये जो डिग्निटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को देता है, ये कमाल का है। इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड आई मस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड दिस डॉक्यूमेंट एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ एंड फील प्राउड ऑफ इट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to give to its citizens the justice, liberty, equality and fraternity. And we resolve this into this Constituent Assembly on 26th day of November 1949 and gave unto ourselves this constitution. So let's see the evolution. 26 नवंबर 1949 को ये पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हो गया और 26 जनवरी 1950 को दो महीने बाद ये एनफोर्स हो गया, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो डॉक्यूमेंट एनफोर्स हुआ, AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। बाय द एंड ऑफ 1950 एक और जजमेंट आ गया, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई राजन, AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट। ये दो जजमेंट, पहला जजमेंट एक मैगजीन थी क्रॉसरोड्स, जिसका सर्कुलेशन स्टेट ऑफ मद्रास में बैन हो गया था, और दूसरा जजमेंट जहां श्रीमती चंपकम दोराई राजन वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड शी चैलेंज्ड इट कि कॉम्यूनल रेजोल्यूशन जिसमें रिजर्वेशंस दिए गए थे उसके वजह से मुझे मेडिकल की सीट नहीं मिल रही है, तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी और क्रॉसरोड्स ने कहा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, एंड द First amendment of the Constitution of India was compelled by these two judgments. The first amendment to the Constitution of India happened in the year 1951, जहां पर Article 19 में restrictions जोड़े गए। आज आप Article 19 के freedom को पढ़ते हैं, छह तरह के freedom हैं, पहले सात थे, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया तो छह बचे हैं और छह ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन द ईयर
1951 with the first amendment, schedule 9th was added, because prior to that, at the time of the original passing of the constitution, there were only 395 articles and 8 schedules. Today we have 448 articles and 12 schedules. 9th schedule add a first amendment. Aur 9th schedule kya tha? Ki government of India अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जिसको वो जुडिशियल रिव्यू से परे रखना चाहती है, जहां पर कोर्ट्स इंटरफियर नहीं कर सकते, उसको वो 9th शेड्यूल में ऐड कर दे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होना शुरू हो गया है। 50 में पास हुआ है, 51 में अमेंड हुआ। 1956 आते आते 7th अमेंडमेंट आ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैव कम, और हमारे भारत का डिवीजन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के नाम से हो गया, लैंग्वेजेस के नाम पर स्टेट बन गए। उसके पहले सिर्फ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स थे। ये 1956 के 7th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट बन गए। तमिल तमिलनाडु हो गया, मलयालम केरला हो गया, मराठी महाराष्ट्र हो गया, ऐसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए। बाय द टाइम 1971 केम, एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया 1967, which also turned the history of the Constitution of India, Golaknath versus State of Punjab, AIR 1967 Supreme Court. Golaknath ke judgment mein Supreme Court ne hold kiya ki parliament ko fundamental rights change karne ki power nahi hai. और अगर फंडामेंटल राइट्स या कोई भी राइट्स पार्लियामेंट अमेंड करता है, तो इट विल हैव टू पास द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 13 विच डिफाइंस लॉ, बिकॉज एनी अमेंडमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू लॉ। तो आर्टिकल 13 का टेस्ट पास होगा तो ही वो अमेंडमेंट होगा। गोलकनाथ 1967 में आया, लेकिन पार्लियामेंट अनकंफर्टेबल हो गया, ये कैसे, हमारे पावर को कर्टेल कर दिया आपने, क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो रहा है, पार्लियामेंट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 1971 में 24th अमेंडमेंट लाकर आर्टिकल 368, जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता है, उसमें सब आर्टिकल 3 जोड़ा गया, और आर्टिकल 13 में सब आर्टिकल 4 जोड़ा गया कि पार्लियामेंट को पावर है, वो जो चाहे बदल दें, फंडामेंटल राइट बदल दें, कानून बदल दें, और सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू इट। 1971 का ये जो पार्लियामेंट का जजमेंट आया, वो फिर चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्ट्राइक डाउन कर दिया कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता। And it was Kesavananda Bharati where for the first time Supreme Court brought a doctrine of essential features of the Constitution of India, jo nahi badle ja sakte, koi parliament nahi badal sakta.